छोटी सी गलती के कारण आपका जो पूरा मेहनत है वीडियो पे किया गया, पूरा वर्क जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो एरर हो जाता है, आप वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन में जब आप प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने आते हैं, यानी वीडियो जब एडिटिंग फाइनल हो जाता है, तो वहां पे फाइल एक्सेस एरर करके आता है। और दोस्तों इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन असली कारण जो है वो किस कारण से आता है, आप कौन सी गलती करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एरर होता है, फाइल एक्सेस एरर करके मैसेज आता है, तो उस कारण को मैं आपको लाइव करके दिखलाने वाला हूँ इस वीडियो में। वहां पे मैं पहले उस जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रखा हूँ उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट होते हुए दिखाऊंगा, और फिर वो गलती करके उस प्रोजेक्ट का जो है एक्सपोर्ट करूंगा, और वहां पे एक मैसेज आता है फाइल एक्सेस एरर करके, वो मैसेज लाकर दिखलाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी का सोल्यूशन करने वाले हैं, असली कारण आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो एरर आपके किस गलती के कारण होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हमें पर्सनली बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप मुझे डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप काइन मास्टर में अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वीडियो को एडिटिंग करते हैं, और वहां से जब एडिटिंग कंप्लीट होता है, जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करने जाते हैं, तो वहां पे जैसे ही एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे फाइल एक्सेस एरर करके एक मैसेज आता है, और वहां पे मैसेज आने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप क्या गलती करते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल यहां पे दिखला देता हूं कि यहां पे मेरा ये प्रोजेक्ट है और इसको मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया हूं, और यहां पे अब आपको दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट जो है एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है, यानी अभी जो प्रोजेक्ट जो मेरा है वो बिल्कुल आसानी से एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अब इस प्रोजेक्ट में कुछ वो गलती करूँगा जो मैंने बताया था अभी, कि गलती बताऊँगा, वो गलती करने वाला हूँ, और गलती करके आपको दिखलाऊंगा कि अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट का जो है नाम जो है मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, इसका जो नेम है उसको मैं एडिट करूँगा, यहाँ पे नेम को मैं दूसरे जगह से यहाँ पे कॉपी करके या फिर कुछ ऐसा इसमें लिख देता हूँ, जो भी है आपके सामने मैं करूँगा वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए मैं आपको रीनेम करता हूँ, कहीं दूसरे जगह से टेक्स्ट को जो है यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसमें कुछ सिम्बॉल, कुछ अल्फाबेटिकल तो रहता ही है, सिंबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और दूसरे जगह से यहाँ पे कॉपी करके टेक्स्ट को यहाँ पे रीनेम में पेस्ट कर दूंगा, जो कि आप देख रहे हैं लाइव एग्जांपल में। और दोस्तों अब जो है इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट में लगाता हूँ, और देखिएगा कुछ देर बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है फाइल एक्सेस एरर करके एक मैसेज आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है फाइल एक्सेस एरर करके वो मैसेज आ गया, यानी अगर आप कहीं ऐसे जगह से टेक्स्ट को कॉपी करके लाते हैं, उसका रीनेम कर देते हैं, या फिर कुछ उसके नाम में जो आपका प्रोजेक्ट है उसके नेम में जो है कुछ ऐसा कैरेक्टर ऐड कर देते हैं जो कि आपके काइन मास्टर एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, और बस इसी छोटी गलती के कारण मैं आप यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बस पहले बता तो आपको कि यहाँ पे बस इसी छोटी गलती के कारण आपका जो पूरा मेहनत है वीडियो पे किया गया, प्रोजेक्ट पे किया गया, वो बेकार चला जाता है, और फिर से आपको दोबारा जो है वीडियो एडिट करना पड़ता है। और इसी प्रोजेक्ट को मैं अभी काइन मास्टर में आ जाता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं ये जो लिखा हुआ है इसका रीनेम मैं कर देता हूँ सबसे पहले, और ये लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट है उसको पूरा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद यहाँ पे अपने मन से कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख दिया, न्यू प्रोजेक्ट फॉर मिस्टेक, इस नाम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो है अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, तो बैक कर दूंगा, और बैक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और इस वीडियो को जो है इस प्रोजेक्ट को है मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ देर वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा कि वो फाइल एक्सेस वाला जो है मैसेज जो है वो एरर जो है वो नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है फाइल एक्सेस एरर का मैसेज नहीं आया है, और यहाँ पे जो है वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। दोस्तों बस यही छोटी सी गलती के कारण आपका जो पूरा मेहनत है वीडियो पे किया गया, पूरा वर्क जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो एरर हो जाता है, आप वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अभी तक जो है ऐसा वीडियो शायद मैंने नहीं देखा यूट्यूब पर। दोस्तों इसी तरह से जो है आपके साथ एरर होता है, और आपका जो किया गया मेहनत तो बेकार चला जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि काइन मास्टर में जो फाइल एक्सेस का एरर होता है वो किस कारण से होता है, कौन सी गलती आप करते हैं तो होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इस पेज फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फेसबुक पेज टेक्निकल बिहार को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।